अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर शाहदानास फॉर क्लास 5। टुडे आवर रीडिंग चैप्टर इज नताशाज डॉल। हमारा आज वीक 4 का डे 1 है और इसका लेक्चर 1 है, पेज नंबर 139। आवर लर्निंग ऑब्जेक्ट्स आर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नंबर 1 नो अबाउट द स्टोरी ऑफ चैप्टर, नंबर 2 नो द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, नंबर 3 विल एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में हम जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके ख़त्म होने के बाद हम किस किस चीज़ों को समझने के लायक होंगे, एक तो हमें उसकी स्टोरी पूरी पता चल जाएगी, इसके अलावा हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पता चल जाएंगे और उस चैप्टर की आखिर में जो एक्सरसाइज दी गई हैं उन तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे। टुडे आवर रीडिंग चैप्टर इज नताशाज डॉल, यानी कि क्या मतलब हुआ, नताशा की डॉल। ये है हमारे पास पेज नंबर 139 पर। स्टूडेंट्स, नताशाज डॉल एक स्टोरी है एक बच्ची की। नताशाज डॉल, डू यू रिमेम्बर रीडिंग अबाउट द विक विच कॉल्ड बाबा यागा हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट? वेल, हियर इज एन अदर टेल इन विच यू विल मीट हर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने एक चलाक चुड़ैल के बारे में पढ़ा था, बाबा यागा, जो कि कहाँ रहती है, जंगल में। अब यहाँ पर हम एक और इसी तरह के एक और करेक्टर से मिलेंगे। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग। नताशा लिव्ड ऑन द एज ऑफ अ ग्रेट फॉरेस्ट। शी वॉज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड व्हेन हर मदर डाइड। द पुअर गर्ल वॉज हार्ट ब्रोकन फॉर शी लव्ड हर मदर वेरी मच। All that she had to remember her mother by was a beautiful doll her mother had given her. अब इसमें बेटा कुछ difficult words हैं, पहले हम उसकी meanings पढ़ लेते हैं। Lift का मतलब क्या होता है, रहना। Heartbroken का मतलब है दिल का टूट जाना। Beautiful का मतलब है खूबसूरत। Remember का मतलब है याद रखना। नताशा एक बहुत ही बड़े जंगल में रहती थी। उसकी उम्र क्या थी, सिर्फ 8 साल थी जब उसकी वालदा की डेथ हो गई, और वो बेचारी गरीब लड़की जिसका दिल टूट गया, लेकिन उसकी वालदा ने उसको अपनी यादगार के तौर पर यह याद रखने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गुड़िया अपनी तरफ से उसकी वालदा ने उस बच्ची को दी थी। यानी कि दैट ग्रेट केयर ऑफ द डॉल her mother had told her and feed her and ask her for help whenever. अब वो क्या कहती है, उसकी वालदा जो होती हैं वो उसको कहती है तुम इसका बहुत ख्याल रखना, इस डॉल का, इस गुड़िया का, और इसको तुम्हें खिलाना पड़ेगा, और जब तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इससे तुम कहना है तुम्हें कोई मदद चाहिए होगी। You are in need, जब तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। But never tell anybody about her, और किसी भी शख्स को इसके बारे में नहीं बताना। When Natasha's mother died, her father married a woman who already had 2 daughters. जब नताशा की वालदा की डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया, तो उसके वालिद ने एक और औरत से शादी कर ली जिसकी पहले से ही क्या थी, 2 बेटियाँ थीं। The two girls and their mother did not love Natasha. और वो जो दोनों लड़कियाँ थीं और उनकी जो वालदा थी वो नताशा से मोहब्बत नहीं करती थी। इन द हॉट समर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता था, द स्टेप मदर, स्टेप मदर क्या होता है, सौतेली माँ। स्टेप मदर मेड नताशा, जो उसकी सौतेली वालदा थी, वर्क आउटडोर इन द सन एंड इन द विंटर। शी फाउंड द वर्स्ट जॉब फॉर हर इन द आइसी विंड एंड स्नो। और क्या होता था कि जब बहुत ज़्यादा गर्म यानी कि गर्मी का मौसम होता था तो उसको बाहर का काम देती थी जहाँ पे सूरज बहुत तेज़ होता था, और सर्दियों में जब उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था जब बर्फ़बारी, आइसी विंड यानी कि बिल्कुल मुंजमद कर देने वाली हवा या बर्फ़बारी होती थी, तब वो उससे काम कराती थी। नताशा नेवर कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब क्या है, शिकायत करना। उसने फिर भी, नताशा ने कभी कंप्लेंट नहीं की। शी कीप्ड हर डॉल विद हर व्हेनएवर शी वेंट।
एंड वैन लाइफ बिकेम अनबीरेबल। अच्छा, वो अपनी डॉल को हमेशा अपने पास रखती थी जब भी वो कहीं जाती थी, और अनबीरेबल मतलब बर्दाश्त से बाहर। जब उसके की ज़िंदगी में कुछ बर्दाश्त से बाहर हो जाता था या वो उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती थी, शी फीड द डॉल एंड आस्क फॉर हेल्प, और फिर वो उसको अपनी गुड़िया को खिलाती थी और उससे मदद मांगती थी। मिराकुलसली का मतलब चमत्कार हो जाना या कोई मुआजजा हो जाना। ऑल हर ट्रबल्स, और वो मुआजाना तौर पर अपनी तमाम मुश्किल से वेंट अवे एंड हर जॉब वर डन। और क्या होता था कि वो अपनी मुश्किल से बाहर आ जाती थी और उसका जो भी काम होता था वो तकमील तक पहुंच जाता था या हो जाता था। वन डे नताशाज फादर वेंट ऑफ आ लॉन्ग जर्नी, एक दिन नताशा के जो वालिद थे वो काफ़ी लंबे सफ़र पर, जर्नी का मतलब है सफ़र। नताशा वॉज सैड टू सी हिम गो बिकॉज वैन ही वॉज अराउंड लाइफ डिड नॉट सीम सो हार्श, और जब उसके वालिद भी उसके सामने नहीं होते तो उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उसे नाकाबले बर्दाश्त हो जाती थी और वो बहुत परेशान हो जाती थी। दैट नाइट एज डार्कनेस फेल, उस रात को रात इतनी तारीकी थी कि ज़रूरत से ज़्यादा तारीकी थी, एंड द विंड एंड रेन हाउल्ड एंड स्वेल्ड आउटसाइड द हाउस, और हवा और बारिश दोनों चीज़ें शामिल थी उस मौसम के अंदर। द स्टेप मदर सेट द थ्री गर्ल्स टू वर्क, और क्या हुआ कि जो उसकी दो बेटियां थी और जो उसकी सौतेली माँ थी उन्हें उसने उसको किस आउटसाइड घर से बाहर जाने का काम उनको दे दिया। स्टूडेंट्स, हमने आज अपने चैप्टर नताशाज डॉल के दो पेज पढ़े हैं, जिसमें हमें क्या पता चला इन दो चैप्टर्स में कि नताशा एक बच्ची है जिसकी उम्र 8 साल है, और उसकी जो वालदा है उसकी डेथ हो गई है, और उसकी वालदा उसको जब मरती हैं तो वो उस वक्त अपने इंतकाल के वक्त उसे एक डॉल देती हैं और उसको ये कहती हैं कि अपनी डॉल आपने संभाल के रखनी है, और जब आपको कोई मदद चाहिए हो तो आप उसको कुछ खिलाएंगी तो ये आपकी हर हेल्प करेगी। और नताशा के जो वालिद होते हैं वो एक औरत से शादी करते हैं जिसकी ऑलरेडी दो बेटियाँ होती हैं, और वो दोनों क्या करती हैं उससे नफ़रत करती हैं, और उसकी जो स्टेप मदर होती हैं उनकी भी वो भी इससे उसी तरह नफ़रत करती हैं। बाकी हम जो मज़ीद पेजेस हमारे पास आएंगे उनमें पता चलेगा कि नताशा के लिए वो डॉल जो है वो कैसी हेल्पफुल साबित होती है और कैसे कैसे उसकी मदद करती है। जैसे इन दो पेजेस में हमें पता चला, इन दो पेज में वो उनकी काफ़ी हेल्प करती है, वो काम जो वो अकेले नहीं कर पा रही होती और वो उसकी मदद करवाती हैं। तो अब इसके बाद हमारा जो बेटा यहाँ तक जो हमारी रीडिंग हुई है आप यहाँ पर इसको मार्क कर लें, और ताकि कल जब हम नई रीडिंग स्टार्ट करें तो हमें याद रहे कि हमने कहाँ पर स्टॉप किया था। फ्रेंड्स, आज का आपका होमवर्क है, आपने एक टाइटल पेज बनाना है और इस चैप्टर का नताशाज डॉल का एक राइटिंग पेज करना है।